तो क्या हाल चाल है आपके? ऐसा कभी हुआ है आज तक कि एप्पल्स मैकबुक ना लाए अपने? लेकिन हाँ, नंबर्स बहुत डाले हैं, तो एक चिप की, सिलिकॉन चिप की कीमत तुम क्या जानो सब्सक्राइबर बाबू। वैसे इस साल जो एप्पल ने अपने मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर, मैकबुक मिनी को अनाउंस कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी जो अभी इन्होंने इवेंट्स रखा, बहुत सारे नंबर्स डाल दिए हैं, मतलब इतने सारे नंबर्स डाल दिए कि गिनाते गिनाते भी मुझे लगता है आधे एक घंटे का वीडियो बन जाएगा। हालांकि सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड फीचर्स रहा एप्पल्स के मैकबुक, मैकबुक प्रो, मैक मिनी में एप्पल का सिलिकॉन चिप जिसका नाम रखा है एप्पल M1। वैसे आपको बता दूँ 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर ये वाला प्रोसेसर बेस्ड है और इसमें बहुत सारी चीज़ें घुसा दी हैं। 16 बिलियन ट्रांजिस्टर एक साथ इसमें वर्क करते हैं। 8 कोर का ये प्रोसेसर है जिसमें से 4 कोर आपको पावर्स के परफॉर्मेंस के लिए मिलते हैं, 4 कोर पावर एफिशिएंसी के मिलते हैं। इतना नहीं, इसी प्रोसेसर के अंदर इन्होंने 8 कोर का GPU भी डाल दिया जो पुराने वाले जो मैकबुक प्रो या मैकबुक एयर आते हैं उनसे 6 गुना ज़्यादा फास्टर है, 6 टाइम फास्टर GPU है इसका। CPU की बात करें तो 2.5 टाइम फास्टर से, तो मतलब ये नंबर्स खेले हैं। जब इनका इवेंट्स देख रहा था तो जो 4K वीडियो वाली फाइल थी, इन्होंने जो फाइनल कट्रो में रेंडरिंग करी, भाई साहब तैरा चीज़ होते, मतलब कतई जहर वाली चीज़ इन्होंने लॉन्च करी, बहुत सारे नंबर्स डाले हैं। 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर एंड मैक मिनी। प्राइसिंग इंडिया के अनाउंस कर दिए, कल से ही प्री ऑर्डर पर उपलब्ध हैं, लेकिन ये 1 हफ्ते बाद आपको डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे, एप्पल से ऐसे क्लेम करता है। लेकिन इस बार के जो एप्पल्स में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट करी हैं, जैसे कि बैटरी लाइफ को एक सिंगल चार्ज में 20 घंटे का बैटरी बैकअप दिया है। मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं फ़ोन से ज़्यादा बैकअप हो। अगर इस वाले चिप की अगर फीचर्स की बात करूँ तो इस बार इन्होंने ये फीचर्स दिया कि आपके पास जो आईफोन्स है, आईफोन्स के ऐप्स को डायरेक्टली आप मैकबुक पर रन कर सकते हो। सिंक तो वैसे भी हो जाते हैं कि मतलब इनका क्लाउड बेस्ड सिस्टम हो जाता है, तो ये चीज़ है। 8 कोर का प्रोसेसर है इसमें, 8 कोर GPU, 8 कोर CPU, ये चीज़ दी है। दूसरा, इसमें आपको बैटरी इंप्रूवमेंट दी है। तीसरा, इन्होंने जो अपना iOS को इंट्रोड्यूस किया है, मतलब नया OS इसमें दिया है, तो ये है। प्राइस की बात करूँ तो पिछले साल जो मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर लॉन्च किए थे उन्हीं के सिमिलर प्राइस रखी गई, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रखा गया है। प्रोसेसर की बात करूँ, इनके जो M1 सिलिकॉन चिप बनाई है, वैसे बेसिकली प्रोसेसर 2 ही कंपनियाँ बनाती है, एक तो इंटेल है, दूसरा AMD है। और GPU की बात करूँ ग्राफिक्स की, तो बेसिकली 3-4 कंपनियाँ बनाती है, जैसे इंटेल का अपना खुद का है, दूसरा NVIDIA हो गया, तीसरा आपका AMD हो गया, मतलब 3-4। लेकिन एप्पल ने कहा नहीं, तुम साइड हटो, हम भी आते हैं, तो खुद का इन्होंने M1 चिप दिया। भाई साहब, जो पुराने मैकबुक है जो इंटेल हो उनसे 6 टाइम फास्टर हुआ है। वैसे एक बात बताऊँ, मैकबुक जो हमेशा जो काम करते हैं अपने क्लाउड बेस्ड सिस्टम प्लस इनका जो OS होता है कस्टमाइजेशन, उस पर काम करता है। अभी हाल ही देख लो, जिन्होंने आईफोन 12 लॉन्च किया था उसका 5 नैनोमीटर A14 बायोनिक जो चिप दी थे, नॉर्मली जो स्नैपड्रैगन की A65 वाले चिप उससे ज़्यादा फास्टर है, मतलब इंडस्ट्री लीडिंग में फास्टेस्ट आईफोन, फास्टेस्ट मैकबुक ये दिए हैं, मतलब ऐसा एप्पल क्लेम करता है। 20 घंटे की बैटरी लाइफ भी क्लेम करता है, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी कि हाँ कुछ चीज़ें करी हैं। इसलिए मैंने पहले जैसे इनका इवेंट देखा तो सीधा एक ही चीज़ कही, कतई जहर। तो ये है, अगर प्राइसिंग की बात करो तो एप्पल मैकबुक प्रो 13 इंच 256 GB की स्टार्टिंग प्राइस 121,900 रुपये रखी है। मैकबुक एयर 256 GB स्टार्टिंग प्राइस इसकी रखी है 117,900। अगर मैक मिनी की बात करो, मतलब एक छोटा डिवाइस, मतलब एक तरह से CPU होता है जो हमारे जो नॉर्मली PC होते हैं विंडोज़ वाले, तो उसमें क्या होता है कोई भी इसमें आप कीबोर्ड, माउस और डिस्प्ले लगा के आप यूज़ कर सकते हो। उसकी प्राइस 64,900 के आसपास, 900 स्टार्टिंग रखी 256 GB का। दोनों चीज़ें, मतलब मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो और मैक मिनी, 2 स्टोरेज ऑप्शन में जिसमें 256 GB SSD, 256 GB SSD, 8 GB की रैम है, 4 कोर इसमें दिए हैं USB वाले, 13 इंच का मैकबुक में एक डिस्प्ले दिया फुल HD वाला, साथ के साथ इसमें वेबकैम दिया वो भी फुल HD वाले, मतलब बहुत सारे नंबर्स का गेम क्लेम किया है एप्पल ने। अगर वीडियो बनाने बैठ जाऊँ तो करीब आधे घंटे से ऊपर निकल जाइए। शॉर्ट में आपको हाईलाइट समझाने की कोशिश करी, हो सकता है आपको पसंद आ गया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को आने वाले वीडियोज़ के लिए। अगर अभी आप मैकबुक लेने का प्लान कर रहे हो या मैकबुक एयर लेने का प्लान कर रहे हो, तो मैं कह सकता हूँ कि आप इंटेल के बजाय आप
सिलिकॉन वाले प्रोसेसर के साथ जा सकते हो, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कंपैरिजन करी है। जो इन हाल ही में जो इंडस्ट्री में भी एप्पल्स के 10 जनरेशन का i5 या i7 चलता है, उससे भी 5 टाइम्स फास्टर सिलिकॉन चिप का ये क्लेम करती है। अगर नंबर्स देखें तो मेरे हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है, लेकिन जब एक्चुअल में पता तब चलता है जब रियल लाइफ में इसका यूज़ होता है। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट नया यूज़ करो उसके बाद उसे एक महीने तक यूज़ करने के बाद, तो नया और यूज़ करने के बाद दोनों में परफॉर्मेंस में रात दिन का फ़र्क देखने को मिल जाता है। तो हमें ऐसा होता है ना कि जैसे कि हम आईफोन या कोई भी फ़ोन स्मार्टफोन परचेज करें, कुछ दिन यूज़ करने के बाद वो फ़ोन ऑटोमेटिक स्लो होने लगता है। रीज़न है उसमें कैचे फाइल इकट्ठा हो जाती है, अप्लीकेशंस के डेटा इकट्ठे हो जाते हैं, तो जितना ज़्यादा बैकग्राउंड रैम भर जाती है रन करती है, तो इस वजह से फ़ोन स्लो हो जाते हैं। तो ये चीज़ होती है, भले ही इन्होंने चाहे बहुत सारे नंबर्स गेम खेल लिए हों, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर निकल के सामने आ जाती हैं। अब आईफोन 12 सीरीज़ ही देख लो, कुछ चीज़ें निकल के सामने आई, इनमें ये चीज़ है, इनमें वो चीज़ है, तो ये चीज़ देखने को मिल जाती है। वैसे नंबर्स जितना क्लेम किया है उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि हाँ तगड़े लैपटॉप इंडस्ट्री में मार्केट में दिए हैं, लेकिन प्राइस किडनियाँ आपकी ज़रूर जा सकती हैं। तो बस इतना सा था इस वाले वीडियो में, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आए इस वाले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाकी सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को। अगर आपका कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो तो मैं आपसे इंस्टाग्राम मिल जाऊंगा, वरना थोड़ा सा वेट करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।